कोल ब्लॉक मामले की स्टेटस रिपोर्ट को लेकर सरकार के दो बड़े कानूनी अधिकारी आमने सामने आ गए हैं। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हरेन रावल ने अटॉर्नी जनरल वानवरी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक हरेन रावल ने चिट्ठी में अटॉर्नी जनरल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चिट्ठी में हरेन रावल ने अटॉर्नी जनरल पर दखलअंदाजी का आरोप लगाया है। इस चिट्ठी विवाद के सामने आने के बाद प्रधानमंत्री ने कानून मंत्री अश्विनी कुमार से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि कोलगेट मामले में आज होने वाली सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल मोहन परासन पक्ष रखेंगे।